मोदी जी देश में जीरो बैलेंस वाला खाता खुलवा रहे हैं, ये लोग पैसा ला कहां से रहे हैं? हाँ, लेकिन एक अनुत्पादक काम में आप पैसे लगा रहे हो, मुझे मालूम है देश का अर्थशास्त्र किधर जा रहा है। बहुत अच्छा, आप सब लोगों के बीच में आकर के लगा। नए साल में भी 3-4 दिन बाकी हैं, आपको नए साल की भी शुभकामनाएं देता हूं मैं तमाम कवियों की तरफ से। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें, खूब हंसें, अच्छा सोचें, आपके अच्छे दिन आए। मैंने तो औपचारिकता बस कहा है, बुरा मत मान लिया। अभी तो एक सज्जन के घर चोरी हो गई तो वो झल्लाते हुए बोले कविराज यही है क्या वो अच्छे दिन? मैंने कहा भाई साहब नाराज क्यों हो रहे हो, मोदी जी ने ये थोड़ी कहा था कि अच्छे दिन सिर्फ साहूकारों के ही आएंगे। नए साल में आपका समय अच्छा गुजरे, आप स्वस्थ रहें, इसके लिए योग जरूर करना, क्योंकि योग करते रहने से आदमी का शरीर इतना लचीला हो जाता है कि संकट के समय किसी भी महिला के कपड़े पहनो फिट आते हैं। मैथिली शरण गुप्त जी ने उन नारी पात्रों को तरजीह दी, महत्व दिया जो साहित्य में उपेक्षित थे। भाई उर्मिला का दर्द कौन गाता, यशोधरा का दर्द कौन गाता, और एक तीसरा दर्द मैं गा रहा हूं। उर्मिला का 14 साल था, यशोधरा का भी काफी लंबा था, एक दर्द मैं बता रहा हूं जो सबसे लंबा था। मोदी जी ने चुनाव में बड़ी ऊंची फेंकी, बोलो मेरा 56 इंच का सीना है, अगर व्यंग तक पहुंच जाओ तो समूह रूप में बताना, बोलो मेरा 56 इंच का सीना है। मैंने कहा साहब शादी करके पत्नी को भूलने की सुविधा होती तो हमारा भी इतना ही होता। भाई जिंदाबाद, वाह 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 वाह, कमर भाई वाह। आजादी के बाद देश में जो कुछ होना चाहिए था वो न होकर के जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ, तो व्यंग पैदा हुआ। अच्छा मोदी जी भी क्या करें, वो कुछ कोशिश करते हैं, बीच में कुछ संसदीय सन्यासी लगे हुए हैं काम पर। वो लोग इतने गुस्से में रहते हैं कि जिसको मारने दौड़ते हैं कमंडल लेकर गुस्से में उससे आगे निकल जाते हैं। वाह बिराजो साहब, नहीं नहीं कोई बात नहीं, स्वागत है। काफी लोग आ चुके हैं, इस तरह पकड़ पकड़ के लाना बंद करो। फिर निकल लिए, आ जाओ वरना इस बार आपको पकड़ने भेजूंगा मैं, हो सकता है खुद भी आ जाऊं। कोई बात नहीं, अगली खेप। एक जमाना ऐसा था जब मैं भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था, जब तक अक्कलदार नहीं निकली थी। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते हैं तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता था। वाह, भले वो उबासी मुझको देख करके ले रही होती। और एक निवेदन कर दूं, बड़ी संख्या में माताएं बहने यहां बैठी हैं, प्रकृति के कुदरत के सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकते। बात अच्छी लगे तो महिलाओं को ताली बजानी है, पुरुषों के खिलाफ बोल रहा हूं। प्रकृति के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता बदल ही नहीं सकती। मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी लुगाई मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड पर आ जाता है। मेरे ख्याल से अब तो आप आसाराम जी को समझ गए होंगे। लेकिन इतना भी तय है कि शादी होते ही प्यार का बुखार उतर जाता है। मेरे एक मित्र ने प्रेम विवाह किया, नाम नहीं बताऊंगा वरना आप समझ जाओगे, शशिकांत के लिए कह रहा हूं। प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल गए। और ताली तो आप इस बात पर बजाओगे, जिस लड़की को लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता है। बहुत
शादी के 3 दिन बाद मिला। मैंने कह रहा नया नया प्रेम विवाह किया, पत्नी को लेकर सिनेमा जा, सैर सपाटा करके मंदिर मंदिर भटकता है। बोले भाई साहब सुना है जोड़े ईश्वर बनाता है, बस उसी को ढूंढ रहा हूं। ये प्यार मोहब्बत बहुत त्याग और समर्पण का काम। प्यार मोहब्बत में आदमी को अपना करियर तक दांव पर लगाना पड़ता है। मैं ऐसे कई लड़कों को जानता हूं जो कॉलेज के जमाने में मेरे साथ पढ़ते थे, जिन्होंने अपने बाप की गाड़ी कमाई से प्रेमिकाओं को जलेबी खिलाई, आजकल शहर के नामी हलवाई बने हुए हैं। और शशिकांत का त्याग तो प्रेम के मामले में महात्मा बुद्ध से भी बड़ा है। बुद्ध अपनी पत्नी और बेटे को सोता हुआ छोड़कर चले गए थे, ये रोज रात को इंतजार करता है कि लुगाई सोए तो घर में घुसूं। और देखो मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था, इसलिए मुझसे तो कौन प्रेम करती, भाई मरते हुए पे कौन मरेगा। बात अच्छी लगे तो आप तालियां जरा बजा दिया करो। मरते हुए पे कौन मरेगा, इतनी सी तालियों से तो मेरा ही सम्मान नहीं हो रहा, शशिकांत का क्या अपमान होगा। मुझसे कौन प्रेम करती। लेकिन मेरे साथ दो चीजें ठीक थी, एक तो साहित्य का विद्यार्थी था तो भाषा अच्छी थी, दूसरा मैंने ट्रकों से शेरो शायरी उतार रखी थी, तो प्रेम करने वाले मुझसे प्रेम पत्र लिखवाते थे, और मैं जिसके प्रेम पत्र लिख देता था उसके दो नतीजे जरूर निकलते थे, या तो उसकी शादी हो जाती थी या फिर वो पिटता था। हालांकि बात एक ही है, आज भी कई मिलते हैं अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जो मेरे प्रेम पत्रों की वजह से ब्याहे गए, मुझे देखते दांत पीसते हैं कि नालायक जानबूझ एक अच्छी खासी अमेरिकी फौज को इराक में उलझा दिया। हिंदुस्तानी आदमी आम दिन तो छोड़ो, 14 फरवरी को वेलेंटाइन डे आता है, उस दिन तक सुख से प्रेम नहीं कर सकते। 14 फरवरी को श्रीराम सेना वाले तो ये कह देते हैं कि जो भी प्रेम करता हुआ मिला उसको पीटेंगे, और सरकार पुलिस को यह हिदायत दे देती कि देखो इस दिन कोई प्रेम से वंचित नहीं रह जाए। जो प्रेम करते हुए मिलते हैं उनको तो श्रीराम सेना वाले पीटते हैं, जो नहीं करते उनको पुलिस वाले पीटते हैं। दोस्तों कबीर को, सूर को, तुलसी को, मीरा को पढ़ो तो पता लगे प्रेम दर्शन का विषय, प्रदर्शन का विषय नहीं। इन नौजवानों के कंधों पर चुनौतियां हैं, देश की, समाज की, दुनिया की, करियर की, परिवार की, एक निवेदन कर दूं, ये मीडिया के बंधु नेह के नाम पे देह का खेल कर रहे हैं अपनी टीआरपी के लिए, पैसा कमाने के लिए, कोई प्यार मोहब्बत जैसी बात नहीं। समय बदल गया, समा का स्थान ट्यूबलाइट ने ले लिया, परवाना जलने की गरज से जाता है तो छिपकली खा जाती। देश के सामने कुछ चुनौतियां, एक तो ये मीडिया का जो रोल है ये बहुत जोरदार है, इस समय सब लग रहे हैं अपने धंधे में, आधे समय तो चैनलों पर नेता आते रहते हैं, आधे समय सांप बिच्छू भूत प्रेत, और हम लोग भी बड़े मन से देखते हैं चलो यार नेताओं से तो ठीक ही। एक चैनल कह रहा हमने स्वर्ग की सीढ़ियां लगा दी, दूसरा कह रहा हमने लंका ढूंढ ली या अयोध्या गले में फंसी पड़ी। ये टीवी चैनल वाले तो गरीबी के दृश्य भी तब तक नहीं दिखाते जब तक कोई स्पॉन्सर नहीं मिल जाता। पिछले 10-12 साल में इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो सबसे बड़ा अपराध किया वो ये, इस देश में जूते बनाने वाले भूखे मर रहे और जूते खाने वाले सेलिब्रिटी हो गए। थोड़ी बहुत उम्मीद अखबारों से है, भाई प्रिंट मीडिया आज कम से कम किसी भी अफवाह को फैलाने में 24 घंटे तो लेता है, लेकिन उसका भी आत्मविश्वास गिर गया। अखबार अब 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं, बिजली कटौती, उठावना और राशिफल, और रोज नए निकल रहे हैं। एक दिन देखो अखबार के दफ्तर से 2 लोग आ गए, बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, आप भी ग्राहक बन जाओ, क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज, और जो मैंने जवाब दिया उसका आनंद लेना, 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपया तो चाहे 1 की जगह 2 ले जाए लेकिन 16 पेज खाली दे जाए कर। फिर मैंने रिसर्च करी
इतने अखबार बिकते कैसे? अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोले संपत सरल जी आज आपका नाम अखबार में छपा। मैंने कहा जी आपका अखबार कहाँ मिलता है, व्यंग तक पहुंच जाओ तो मोहब्बत देना। मैंने कहा जी आपका अखबार कहाँ मिलता है, बोले हमारा अखबार कोई ओकर नहीं बांटता, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद खरीद कर बांटता है। इस मीडिया की गैर जिम्मेदारी पे मुझे ताज भोपाली का एक शेर याद आता है, अशोक जी भाई साहब के सानिध्य में कहना चाहता हूँ। उन्होंने कभी कहा था, तुम्हारे बज्म के बाहर भी एक दुनिया है, मेरे हुजूर बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। वक्त हिसाब लेता है, समय हिसाब लेता है। ये नेता आए थे हरिभजन को और अपार कपास ओटने में लग गए। देश की जो मूल समस्याएं हैं उनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है, समय निकल जाता है, चीजें रह जाती हैं। वक्त किस तरह से हिसाब लेता है, आप सूदी जन है, इस मंच से खड़ा होकर हो सकता है इससे आक्रामक बात मैं कह नहीं सकता, उसके बाद एक रचना सुनाऊंगा, अच्छा लगे समर्थन करना। समय किस तरह से हिसाब लेता है, जिन अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था उनके वायसराय और राजाओं की यूनिफॉर्म बैंड बाजे वाले पहनते। एक आदमी कुछ करना चाह रहा है, देश में कुछ बदलाव करना चाह रहा है, तो हमें उसका सहयोग करना चाहिए और उस आदमी को भी उसी लक्ष्य की तरफ ध्यान रखना चाहिए। देश पहले ही साइलेंट मोड पे था 10 साल, लेकिन समस्या यह है मनमोहन सिंह जी बोलते नहीं थे, मोदी जी सुनते नहीं। समस्या वहीं की है, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होकर के भी लगे नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सोनिया जी ने उनको प्राइम मिनिस्टर बना तो दिया और बताया नहीं हो। न बोलने की परंपरा अंत तक निभाई। मोदी जी को जीत की बधाई भी मनमोहन सिंह जी ने मिस कॉल से दी। चुनाव हारने के बाद में गए थे 10 जनपद मनमोहन सिंह जी खड़ाऊ जमा कराने। आगे देखा राहुल गांधी क्रिकेट का लाइव मैच देख रहे हैं टेलीविजन पर, मनमोहन सिंह जी भी जाके बैठ गए। राहुल जी ने देखा कि जब आदमी स्कोर बताने वाला अपडेट बताने वाला आ गया तो ये काम भी अपन क्यों करें, सो लेते, नींद आ गई। मनमोहन सिंह जी मन का चैनल भी नहीं देख सकते थे, क्रिकेट समझते नहीं, चैनल बदल नहीं सकते थे क्योंकि रिमोट सोनिया जी के पास था। राहुल जी की आधे घंटे बाद आंख खुली, देश कैसे चला 10 साल, आधे घंटे बाद आंख खुली राहुल गांधी की। उन्होंने पूछ लिया मनमोहन सिंह जी गोल हो गया क्या, और तालियां तो मनमोहन सिंह जी के जवाब पे उठेंगी। बोले मनमोहन सिंह जी गोल हो गया क्या, मनमोहन सिंह जी बोले राहुल जी आप भी कैसी मजाक कर रहे हो, गोल तो क्रिकेट में होता है। अब आप सुनने की मानसिकता में आ गए हैं तो मैं एक रचना आपको सुना दे। हम तकनीक के ही दौर में जी रहे हैं, अच्छी बात है कि आप लोग एक समागम करते हैं, तमाम घरों से निकल के लोग एक जगह आते हैं। मनुष्य मिलना जुलना जिस दिन बंद कर देगा उस दिन मनुष्यता के खत्म होने के खतरे हैं। आदमी जितना लैंग्वेज से सीखता है उससे ज्यादा बॉडी लैंग्वेज से सीखता है। यही कवि सम्मेलन आप YouTube पर सुनकर के आनंद नहीं ले सकते थे जितने इन महान लोगों को आप लाइव सुने। घरों से निकलिए, मिलिए। हम तकनीक के दौर में जी रहे हैं, तकनीक का एक फायदा यह है कि उसने, बैठो भाई साहब, कोई बात नहीं, चलो ये तो पता लगा घर में कौन खिलाता। क्या जी आदमी कर्म करता है तो फल भी भुगतने पड़ते हैं। जयपुर का जमाई है क्या, तो ये फाइल आप पढ़ दो मैं खिला लाता हूं। भाई कहीं कहीं जो है इस दुर्घटना में हमारा भी तो हाथ रहा, हम इनके पास नहीं आते तो ये उठ के क्यों जाते। तकनीक ने भौगोलिक दूरियां कम कर दी लेकिन आदमी से आदमी को दूर कर दिया और अब तो मनुष्य को खुद से दूर कर रहा है। टेक्नोलॉजी का एक फायदा यह हुआ कि उसने आदमी की समझ बढ़ाई लेकिन सहनशीलता कम कर दी। तकनीक तेजी से बदलती है, इसलिए एक नुकसान यह हुआ कि पिताजी के अनुभव पुत्र के किसी काम के नहीं रहे।
पुराना जो समय था उसमें संघर्ष था, दुविधाएं बहुत थी, कष्ट बहुत थे, लेकिन रोमांच बहुत था। आज के समय में तब सुविधाएं जुट गई लेकिन रोमांच खत्म हो गया। आपको ओडी में या मर्सडी में या हैमर में वो सब आनंद नहीं आता होगा जो आपके पिताजी ने कभी आपको 100-150 रुपए की साइकिल दिलवाई थी। वहीं से मैंने एक रचना निकाली, मैं वो रचना पढ़ता हूं। वे भी क्या दिन थे, पहली पंक्ति से आप पकड़ लेंगे आपको अच्छा लगेगा। हालांकि मैं कोई नॉस्टैल्जिक नहीं हूं कि पहले सब कुछ अच्छा था अब सब कुछ खराब है। आज ये शशिकांत कह रहा था, बोले देखो भाई साहब कितना खराब जमाना आ गया। एक समय ऐसा था मैं देवास में 5 रुपए लेके बाजार में निकलता था और घंटे भर में बोरा भर के सामान ले आता था। मैंने कहा शशिकांत अब ये संभव नहीं है क्योंकि हर दुकान में CCTV कैमरे लग गए। लेकिन चीजें तो बदली है। देखो तकनीक से चेतना भी आई है, टेलीविजन कंप्यूटर इन चीजों से हमने सीखा भी बहुत है। मैं तो अध्यापक था, एक स्कूल में सहज भाव से एक लड़की से प्रश्न कर लिया था। मैंने कहा बेटा ये बता कि राम लक्ष्मण तो ठीक लेकिन सीता जी वनवास क्यों गई? तो लड़की ने कही सीता के वनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है, यदि घर में 3-3 सास हो तो जंगल ही ठीक है। वे भी क्या दिन थे, पुराना समय याद करो, छोटे छोटे गांवों से आप निकले, पहली पंक्ति से पकड़ेंगे अच्छा लगेगा। वे भी क्या दिन थे, वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। वाह 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 बढ़िया पंक्ति भाई। और अगली पंक्ति में अगर मैंने टेक्नोलॉजी को आईना दिखा दिया होगा, इस पंक्ति की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, ये सिर्फ कवियों से उम्मीद है, तब और समर्थन करना। वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5,000 दोस्तों और परिवार में बोलचाल बंद है। इन महनीय लोगों के लिए कवि सम्मेलन कोई धंधा नहीं, आप 2 पैसे देते हैं, हमारे बच्चे पलते हैं, अलग बात है। मैं आपको निवेदन कर दूं, हमारी कोशिश रहती है, हमारा मिशन है, सिर्फ कविता और शायरी से उम्मीद रह गई है। हमारी कोशिश रहती है जो मोबाइल इंटरनेट में उलझी पीढ़ी शब्दों से मोहब्बत करे, किताबों की तरफ लौटे, बुजुर्गों का सानिध्य हासिल करे। फिर तालियों से बताना, दोस्तों दुनिया की कितनी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती। वाह क्या बात है संपत भाई, वाह 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 वाह। यही वो लोग हैं जो धूप बनाने वाले लोग हैं, इन बुजुर्गों के जो सफेद बाल पक गए अनुभव से उनका लाभ लो। पुराने समय के विरोधाभास देखें, तब मोबाइल तो क्या लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। अच्छी बात है। खान पान शुद्ध था और याददाश्त अच्छी थी, हर व्यक्ति को साथ साथ पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौज होने पर दूसरों की भी। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और 1 कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे हैं। वाह 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 वाह। पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। भाई किस बात का टेंशन है पढ़ाई को लेकर के? राजनीतिज्ञों से सीखो, पढ़ लिख करके नवरत्न होने से अच्छा अनपढ़ रहकर के अकबर बनो। हम कवि लोग बच्चों की पढ़ाई को लेकर कोई तनाव नहीं पालते। भाई बच्चे हैं, जब तक पास होते रहेंगे पढ़ने जाते रहेंगे, जिस दिन फेल हो जाएंगे खुद स्कूल खोल लेंगे। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था, मातृभाषा आप तो हिंदी बोलने में शर्म आती है, बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था, हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अगली पंक्ति का व्यंग इस जगह इस समय से ज्यादा समझ नहीं सकता समर्थन करना। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। कई प्रकार के खेल कूद थे, अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते हैं, बच्चे भी क्या करें।
खो खो कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभाओं में चले गए, बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर रखा है। जो चैनल खोलो क्रिकेट, एक दिन तो मैं देख रहा था, कमेंटेटर ने बड़ी ऊंची फेंकी, बोले जब से वो धवन और कोहली ने मूछें रखी हैं तब से धुआंधार परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे उस दिन समझ में आई कि दुनिया में महिला क्रिकेट क्यों पिछड़ा हुआ। दो तीन लोग ताली बजा रहे हैं, आप भी रहने दो। नहीं, ऐसे लगता ना जैसे पूरी भीड़ का लोड दो तीन लोगों पे आ गया हो। हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था, बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग, फील्डर भी यही दो होते थे। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को लानी पड़ती थी। एक ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा यह गेंद का मालिक तय करता था। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था, फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था, तत्पश्चात गेंद लाता था। और अब आपकी तालियां उठेंगी। ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती थी और वह दिन भर रन ही बनाता रहता था। हम आवारा पूंजीवाद के दौर में जी रहे हैं, पूंजीवाद नहीं आवारा पूंजीवाद, जिसका एक कारण है मनुष्य के भीतर असुरक्षा बोध भर गया। करोड़ों रुपया पास में है, उसके बावजूद चिंता रहती है कल क्या खाएंगे। आलमारी वार्डरोब कपड़ों का भर रहा है और आदमी तय नहीं कर पाता कि पहने क्या। क्या बात है, पहले ऐसा नहीं। बुजुर्ग लोग बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, उन बुजुर्गों को समर्पित है ये बात। लोग भूखे उठते तो थे किंतु भूखे सोते नहीं थे। महंगाई बिल्कुल नहीं थी, ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था। सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा लें कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनती थी। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का प्रमुख साधन हुआ करती थी, जिनमें महिला पात्रों का रोल भी पुरुष ही करते थे। रामलीला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग अलग होता था। रामलीला मंडली गांव की धर्मशाला में ठहरती थी। हम बच्चे दिन में धर्मशाला में जाकर देखते थे कि गत रात ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे, बाली और सुग्रीव साथ साथ ताश पत्ती खेल रहे। सूरपनखा मंथरा के लिए चाय बना रहा है। वाह। और हर पुरुष की जो घर में औकात है, चाहे वो कितना भी बड़ा तुर्रम खाओ, व्यंग देखें, चटाई पर बैठा रावण रात को आरती में आए पैसों का हिसाब मंदोदरी को दे रहा है। मैं तो आज स्टेशन उतरा, कहीं परिचित मिल गए, बोले संपत सरल जी आपको यूट्यूब पे सुनते हैं, फेसबुक पर पढ़ते रहते हैं, वैसे आप कहाँ के हो। मैंने कहा भैया शादी को 23 साल हो गए, कहीं के नहीं। लोग पैदल चलते थे और पद यात्राएं करते थे, जो कि पद प्राप्त करने के लिए नहीं होती थी। कुछ एक के पास साइकिलें होती थी जो चार रोटियों में 40 का एवरेज देती थी। कारें मोटरसाइकिलें तो छोड़ो, बसें तक गिनती की हुआ करती थी। जहाज और हवाई जहाज तो हम किताबों में देखते थे और कॉपियों के बनाते थे। याद आती हैं वे मीटर गेज की कोयले के इंजन वाली गाड़ियां। तय करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में कौन किसको ढो रहा है। उनकी स्पीड का तो ये हाल था कि घंटे आध घंटे का सफर होता था तो भी लोग 3 वक्त का खाना बांध कर चलते थे। ट्रेन में चढ़ने में जितना पसीना आता था, उतरने में उससे अधिक आता था। यात्री काठ की सीटों पर काठ के उल्लू बने बैठे रहते थे। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। और आम हिंदुस्तानी का मनोविज्ञान पकड़ना, डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। खड़े यात्री भजन पसंद करते थे और जिन्हें सीट मिल जाती थी वे गजल। वाह 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 वाह। लोग फरमाइशें करते रहते थे और डफली वाले गाते रहते थे। डफली वालों को पैसे देने का वक्त आता था तब फरमाइशें करने वाले खुद गाने लगते थे। और फिर जो चीज हमारे डीएनए में है, मोदी जी सुधार कहां से देंगे, तब तालियां चाहिए आपकी।
क्योंकि यात्री को सामान की भी स्वयं ही रक्षा करनी होती थी, अतः खाली हाथ चढ़ते थे तो भी सामान लेकर ही उतरते थे। मैं समापन की ओर बढ़ता हूँ। चिट्ठी पत्री का दौर था, SMS ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। और हमारे एक बड़े शायर आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, उन्होंने एक शेर कहा कि मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता रखते थे कैसे खत में कलेजा निकालकर। SMS ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। पत्रों में व्याकरण अशुद्ध होते हुए भी आचरण शुद्ध होता था। मैंने तो स्वयं कई बार अपने पिताजी को चरण स्पर्श की जगह आशीर्वाद लिखा। खत लिखता हूं खून से स्याही न समझना, अर्थात प्रेम पत्र लाल स्याही से लिखकर अपने खून से लिखा बताने का रिवाज तब भी था। परिणाम भी वैसा ही निकलता था। जिन्होंने वैसे प्रेम पत्र लिख लिखकर कबूतर उड़ाए थे, आज बेचारे शादी शुदा है और तोते उड़े हुए। अच्छी बात है, वाह 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 वाह। शादी से याद आया तब शादियों में व्यर्थ का धूम धड़ाका और दिखावा नहीं होता था। बस दो चार बाराती बैंड पर बजती नागिन की धुन पर सपेरा नृत्य कर लेते थे, क्योंकि तब बीन बनाने के लिए रूमाल ही दो चार बारातियों के पास होते थे। और सबसे मार्मिक जो बंद है इसका, वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। टेलीविजन का एक नुकसान ये और हुआ कि उसने सुनने वाली कलाओं को देखने वाली कलाएं बना दी। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। व्यक्ति बंदूक भले ही बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। याद आते हैं अमीन सयानी का बिना का गीतमाला, जसदेव सिंह की हिंदी कमेंट्री, कृष्ण कुमार भार्गव, देवकी नंदन पांडे और रामानंद प्रसाद सिंह के समाचार। और अब आपकी तालियां उठेंगी, गर्दन झुकाकर BBC तो ऐसे सुनते थे जैसे आज बीबी से सुनते हैं। बहुत मोहब्बत आप लोगों ने दी, मैं इस लेख का समापन करता हूं। समापन पर तालियां जरूर बजा देना, वरना इसको फिर शुरू कर सकता हूं। जितनी तालियां हैं वो अरुण के लिए और अशोक जी के लिए होंगी, जो मेरे विदा के टाइम बजाओगे आप। सच है गन्ने का रस सूख जाए तो वह लाठी रह जाता है। तब हमारा जीवन कछुए की तरह था, आज हम खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं, अर्थात भाग सब रहे हैं और पहुंच कोई नहीं रहा। भाग सब रहे हैं लेकिन पहुंच कोई नहीं रहा। हंसते हंसाते हुए जीवन के एक बहुत बड़ी सच्चाई से कवि ने आपका परिचय कराया कि हम बहुत कुछ होने के अब एहसास को जी नहीं पाते, लेकिन जो कुछ छूट जाता है उसके लिए जिंदगी भर भटकते हैं। हमारे इटावा उत्तर प्रदेश का एक नौजवान कवि है कुमार मनोज, उसने बहुत अच्छी चार पंक्तियां लिखी कि बहुत रोते हैं कि किताबों में खुदा ईश्वर पयंबर ढूंढते हैं हम, हमारी बेयकीनी का नतीजा और क्या होगा, समंदर में खड़े होकर समंदर ढूंढते हैं हम। हमारा अभाव से जो नाता रहा है वो हम छोड़ नहीं पाते। आइए संपत सरल जी ने अगर ठाके ठीक लगवाए हो और अगर आपका मन आनंदित हो गया हो तो एक बार उन्हें ताली बजाकर बताइए कि आपने उन्हें कैसा सुना और कैसा स्वीकार किया। मैं जिन्हें आवाज देने जा रहा हूँ